हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सवाल है यूपीएसआई 2019 की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आशा करता हूं कि वीडियो में आपके कुछ कंफ्यूजन दूर होंगे और कुछ जो रह जाएंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो यूपीएसआई के जो फॉर्म आने वाले थे, जिस तरीके से अनाउंस हुआ था कि आपके सेप्टेम्बर में फॉर्म आ जाएंगे, वो क्यों नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आए हैं। तो उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से यहां पर आपको बताया गया था कि आपके जो फॉर्म हैं वो सितंबर माह में आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रीज़न यही है कि अभी तक फॉर्म इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं हो पाया है जो कंपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, क्योंकि एग्ज़ाम कैसे होगा, आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इस पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो TCS को दिया गया था, इस बार जो है उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने जो है नई कंपनी को ये टेंडर देने का फैसला किया है। तो उसके लिए लगातार जो है कोशिश जारी है और लगातार बात हो रही है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको एग्ज़ाम कराना है। और एग्ज़ाम आपका दोस्तों अभी तक जो निश्चित है वो यही न्यूज़ है कि आपका दिसंबर के माह में होगा। और ये क्लियर नहीं है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो भर्ती बोर्ड ने क्लियर मना किया हुआ है कि TCS से नहीं किया जाएगा, तो किसी और कंपनी से लगातार बात हो रही है। यही रीज़न है कि अभी तक जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि एज लिमिट को लेकर के और कब आएंगे इसके फॉर्म। तो फॉर्म के लिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि 8 से 10 दिन के बीच आपका जो है जो भर्ती बोर्ड का जो फैसला है किसी कंपनी के साथ जिनका भी इसका करार होना है वो हो जाएगा, तो तुरंत आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये लास्ट में आ जाएंगे आपके सेप्टेम्बर के या फिर आपके अक्टूबर के शुरू में आ जाएँ, तो यहाँ तक आपके फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि डेट मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता कि कब आएंगे। तो ये एक एक्सपेक्ट है, एक अनुमान है। दूसरी बात, एज लिमिट में क्या बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सीधा ये कहा गया कि हाँ, इस बार जो है परिवर्तन होगा, परिवर्तन आपके सिलेबस में होगा और आपकी एज लिमिट में होगा। तो ये मैं क्लियर नहीं कर सकता कि आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी यहाँ पर बढ़ाई जाए, और सिलेबस का आपके लिए अकॉर्डिंग है कि ये जो सिलेबस में जो क्वालिफाई स्कोर था वो कुछ कम कर दिया गया है। पिछली बार 50% अनिवार्य थे प्रत्येक सब्जेक्ट में, इस बार 35% किए गए हैं। और भी कुछ बदलाव इसमें हो सकता है, कुछ नए टॉपिक्स जोड़े जा सकते हैं, कुछ हटाए जा सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पर 21 से 28 तक ली जाती थी आपकी, और हो सकता है जहाँ तक अनुमान है ये 21 से आपकी 30 वर्ष तक आपकी हो सकती है। और वो कैंडिडेट इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन क्लियर किया है। तो ग्रेजुएशन के लिए कोई परसेंटेज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये खबर पहुँच जाए। और क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी आपकी तरह ही हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, तो ज़्यादा शेयर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, मैं तैयारी के लिए आपको बता दूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट पर जो है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन देने का फैसला किया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के जो हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं, ताकि दिसंबर में आपकी जो सफलता है वो आपके हाथ निश्चित लगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करने के बाद लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।